हुजूर वाला एक बात बताइए, जनरल नॉलेज का एक सवाल, वो मुतअद्दिद मरतबा मैं अपने प्रोग्रामों में पूछ चुका हूँ, एक मरतबा फिर हुजूर, वो टीपू सुल्तान की जो तलवार थी हमारे वज़ीर आज़म के पास, उसको जंग लग गया? सलाहुद्दीन अयूबी का जो कलेजा हमारे हुक्मरानों के पास था, उसमें पानी क्यों भर गया? वो इंडिया की एयर स्पेस बंद करने का फैसला ही नहीं उठा पा रहे। मीका सिंह को भी डिस्कस कर चुका, हुकूमत की बहादुरी जवानमर्दी की दास्तानें भी हो चुकी, डिप्लोमेटिक फतह पर भी मैं नजराना अकीदत पेश कर चुका, कल और भी बहुत सब कुछ हो चुका, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एफर्ट्स की गई। हुजूर वाला, ये एयर स्पेस बंद करना आर्मी चीफ की डिस्क्रेशन है या वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो खुद को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बताते नहीं थक रहे, उनको ये बताइए कि वज़ीर आज़म के कामों में एक ये भी है, ये तो करवा दें। सदीकी साहब, आपने कहा कि टीपू सुल्तान की तलवार को जंग लगी, क्या लगी? लगी नहीं, खान साहब ने बड़े दलेराना अंदाज में कह दिया कि हम इंडिया को इनका जवाब पत्थर से देंगे, और कुल के कह दिया, और मीडिया के सामने कह दिया, शायद आप वापस ही नहीं आ रहे। और इसके अलावा नहीं 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 इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी उठा के इंडिया पे फेंकेगा, इंशाल्लाह बेफिक्र रहे, वो मौका पहले आएगा नहीं, और आएगा तो इंशाल्लाह हर पाकिस्तानी इनके खान साहब के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। दूसरी बात ये कि खान साहब ने देखो, ये पहली दफा किसी, जिस तरीके से मेरे दोस्त ने कह दिया कि ये पूरी कौम को, मैंने इतना अच्छा सवाल पूछा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप मुझे चौरंगी घुमा करके और फिर कहीं और ले आकर के खड़ा कर दें। मुझे एयर स्पेस बंद ना करने पे जो आपको अभी तक नाकामी का सामना है, उसकी वजह बताइए। देखो, मैं तो कोई उसका वो नहीं हूँ कि मैं एग्जैक्ट आपको बताऊं कि उसके क्या इशू है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमारी पूरी हुकूमत, पीटीआई, पूरी कौम, पूरी आवाम, फौज कश्मीरियों के साथ ही कश्मीरियों की जंग लड़ रहे हैं। 27 सितंबर को खान साहब इंशाल्लाह अक़वाम मुत्तहिदा में उनका उनके लिए जो कश्मीरियों के जो हक में बोलेंगे, और इंशाल्लाह जो मकरूह चेहरा है हिंदुस्तान का और खुसूसन मोदी का, उनकी पॉलिसियों के, उनकी सरकार का, वो दुनिया के सामने रखेंगे। और जो खान साहब ने जो अच्छा हुजूर, एक और जिम्मी सवाल, चलिए जिम्मी सवाल, हुजूर वाला जिम्मी सवाल, जुम्मे के रोज आधे घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जो जमीन के रास्ते तिजारत हो रही है, अभी तक ट्रेड के जो रास्ते हैं वो खुले हुए हैं, इंडिया का माल आ रहा है और यहाँ से अफगानिस्तान जा रहा है, कम अज कम उसी पे पानी फेर दें, ये तो कर सकते हैं। नहीं देखो अरफिन साहब, बाजूकात होते हैं आपका, आपके जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो इंटरनेशनली बाइंडिंग होते हैं, वो इस तरह नहीं होती कि आप बिल्कुल 100% उसको बंद करके और पूरी जंग के वो मुज़ाकरात, देखो वज़ीर आज़म, वज़ीर खारजा, दफ्तर खारजा कह चुका है कि हमें मुज़ाकरात नहीं करने, आप कौन से मुज़ाकरात करवाने वाले हैं? नहीं नहीं, वो मुज़ाकरात नहीं, दुनिया के सामने जब बात करेंगे, देखो आप जिस बात चीज की बात कर रहे हैं वो तो आखिरी आखिरी हद है, वो तो इंतहाई, उसके बाद तो आपको लड़ाई करनी होगी, तो वो नौबत अभी नहीं आई है। अभी दुनिया के सामने अपनी हम अपना जो हमारा जो किस्सा है वो हम रख रहे हैं कि हमारे कश्मीरों के साथ क्या जुल्म हो रहा है, जो 27 रोज से जो कश्मीरों के साथ जो जुल्म हो रहा है, उनको जेल, कश्मीर को जेल बना के दिया, जो इंसानियत के साथ उनके देख रहे हैं, फेसबुक पे उनको सब नजर आ रहा है, आप लोग बिलावजह अपने टेलीफोन का बिल बढ़ा रहे हैं, उससे होगा क्या? जरा थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर थोड़ा सा तवक्कुफ फरमाइएगा। नासिर खान मूसा ज़ई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सिद्दीकुल फारूक साहब, प्रोग्राम को इख्तिताम तक पहुंचाना है, सर ये मुझे बताइएगा। नहीं मैं फारूक साहब, नहीं नहीं मैं सिद्दीकुल फारूक साहब को ये कहूंगा कि सिद्दीकुल फारूक साहब, इस मौके पर दावत की जरूरत नहीं होती, ये कश्मीर का अच्छा ठीक है, ठीक है, समझ गए, सिद्दीकुल फारूक साहब को मैं भी समझाऊंगा। अच्छा थोड़ा सा तवक्कुफ, इतना ब्रेक बंद है, दबाइए नासिर खान मूसा ज़ई साहब। सिद्दीकुल फारूक साहब, हुजूर सदर पाकिस्तान 16 अगस्त को फरमाते हैं कि हमारी गलती है कि रुपया गिरने का सारा बोझ कौम पर डाल दिया। आपके ख्याल में यही सारे कामों का इस्तदलाल दिया जाता था कि जी नवाज शरीफ ने ये कर दिया और आसिफ अली जरदारी ने ये कर दिया, मेरिट की धज्जियाँ। उस वक्त हमारे अपोजिशन रहनुमा मौजूदा वज़ीर आज़म साहब ये बताते थे कि अगर डॉलर की कीमत फलाना होती है तो फिर हुकूमत चोर होती है। उस वक्त हमें ये बताया जाता था कि जी 1 रुपये के इधर उधर होने से कर्ज़ों का बोझ इतना इधर उधर हो जाता है। सर ये सब खबरें पढ़ करके तो मैं इधर उधर हो रहा हूँ। 208 अरब रुपये, ये काम अगर नवाज शरीफ ने किया होता तो उसके बच्चे खा जाते। हालांकि मुझे कोई हमदर्दी किसी से नहीं है,
लेकिन कुछ तो कहिए हुजूर जी। देखिए, मैं समझता हूँ कि जर्नलिस्ट एंकर वही सबसे अच्छा है जिसकी कोई पार्टी ना हो, वो हकायक पे गुफ्तगू करे। आप हकायक पे गुफ्तगू करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही इमरान खान साहब और इनके वज़ीर थे कि जब नवाज शरीफ साहब ने पेट्रोल 65 रुपये लीटर किया तो असम्बली में खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं, ये तो 25 और 30 रुपये, ये फलां टैक्सेस हैं, इनको 40 रुपये लीटर करना चाहिए। तो आते ही इन्होंने क्या कर दिया, पेट्रोल कहाँ पहुँचा दिया, ये आप देख लें। तो बेहतर अब भी अगर ये तौबा कर लें, कौम से माफ़ी मांग लें, जितनी कुछ उन्होंने गलतियाँ ख़राबियाँ की हैं, चलता चलाता पाकिस्तान फर्स्ट क्लास इनके हवाले किया और इन्होंने जो उसकी हालत की है कि लोग अब इनके लाए हुए जो सैलाब है महंगाई का और बदउनवानी का और बद इंतज़ामी का, नाअहली का, लोग गर्दन गर्दन तक उसमें डूब गए हैं और ये उसमें नाअहली का और बद इंतज़ामी का मज़ीद पानी डाल रहे हैं। खुदा ना करे कि लोग उसमें डूब मरें, अल्लाह बचाए, ये खुद समझ लें या फिर लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह का फजल तो है हुजूर वाला, लेकिन ये मुझे बताइए, बताया जाता है कि हमारे जो मोहतरम वज़ीर आज़म हैं उनके दिल में आवाम का जो दर्द है वो ठाटे मारता हुआ उसका समंदर जो है वो बह रहा है। सर, आवाम हाय हाय कर रही है, दुहाई दे रही है, महंगाई मज़ीद 46,000 रुपये का कर्ज़ा चढ़ा दिया और वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुशी से फूले नहीं समाते कि मैं तो वज़ीर आज़म बन गया। वो किशोर कुमार का गाना याद आ रहा है कि मैं तो साहब बन गया, अटेंशन। क्या कहेंगे हुजूर? थैंक यू सिद्दीकी साहब, मेरे ख्याल में आपकी जंग पीटीआई के साथ जारी है, लेकिन बेसिकली बात ये है कि आया मुझे बता दिया जाए कि जो पिछले 70 साल से जो हुकूमतें चल रही है, क्या ऐसा इमरान खान साहब ने या इस हुकूमत ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि उस पर आप उंगली उठा रहे हैं और उसने कौम की खातिर वो डिसीजन ना लिया हो, अपनी पार्टी और अपनी जात की खातिर मेरी सारी पूरी FIR तो मैंने पढ़ के सुना दी, उसके बाद आप कह रहे हैं कसूर बताइए, ये सब क्या बता रहा था मैं, मौसम का अहवाल? अभी आपके लीडर साहब कहते हैं मैं यू टर्न लेते लेते जो है वजीर आजम बन गया और कहते हैं मकसद पर कंप्रोमाइज करना ठीक है। तो क्या आपका मकसद सिर्फ वजीर आजम बनना था, मुल्क बर्बाद हो जाए, हर बात पर यू टर्न ले लें, जो मर्जी आए करें, और ये वजीर आजम बनना ही को मकसद था? ऐसा लगता है दो मुख्तलिफ दुनियाओं का अहवाल बयान किया गया है शॉर्ट मोन्टाज में। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब ने जो बताया कि पाकिस्तान ऐसा कभी भी नहीं था, मुझे लग रहा था कि वो किसी और दुनिया की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके फौरन बाद जब मैंने मोहतरम जनाब इमरान खान साहब मुंतखब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का साउंड बाइट सुना तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मामला शायद वो नहीं है जो बताया जा रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर तो आर्मी चीफ़ की बात हम दुरुस्त माने तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात मशकूक हो जाती है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मानूँ तो फिर मैं खुद गड़बड़ा जाता हूँ। सच है तो क्या, मुझे समझ में नहीं आ रहा। कुर्बान मगर जाइए कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान फरमाते हैं कि मैं वज़ीर आज़म बन गया, दिस इज़ इट, खेल ख़त्म। हुजूर इससे आगे भी है दुनिया, ऐवान वज़ीर आज़म से जब आप राइट टर्न लेंगे ना तो एक बहुत वसी और रीज़ अल्लाह ताला की बनाई हुई दुनिया है जिसमें खल्के खुदा आपके कहे हुए उन तमाम वादों को सच साबित होता देखने की तमन्नाई है। वो वादे जो आपने इलेक्शन मुहिम में उससे पहले उनसे किए थे, कर्ज़ों से निजात, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, बेरोज़गारी से, महंगाई से निजात, और दिल्ली हनूज दूरस्त, यकीन आए तो महल से बाहर निकलिए, यकीन आए तो बनीगाला की उस पहाड़ी से बाहर निकलिए, उससे नीचे उतरी आपको लग पता जाएगा। वज़ीर आज़म फरमाते हैं कि यू टर्न ले ले करके मैं वज़ीर आज़म बन गया और मुखालफीन को देखो जेलों में पड़े हुए, मैं कंफ्यूज हो गया, मेरी अकल ने मुझे कहा कि यार कितने ही ऐसे कब्रिस्तान मुझ जैसे छोटे मोटे एंकरान कराम और कितने ही सुदूर गवर्नर, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ फलाना, चीफ ऑफ डिकाना से भरे पड़े। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मशीयत को किसी से क्या रस्तगारी है, क्या लेना? फरिश्तों की अगर कहें तो सानू की मोड पे लगे हुए हैं, उनको क्या कि ये जिसको मैं उठा रहा हूँ ये आर्मी चीफ था, ये KMC का काउंसिलर था, ये छोटा मोटा कोई बदनीयत बदकिरदार किस्म का एंकर था जिसने ज़िंदगी भर रिश्वत की कमाई से अपने बच्चों को पाला? नहीं,
वज़ीर आज़म बनने पर यह तफाखुर समझ नहीं आई।